वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है एक लड़की स्मार्ट कैसे बने। तो मैं कुछ टिप्स लेके आई हूँ, 10 टिप्स लेके आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर ये टिप्स आप जान जाती हैं, इसे फॉलो करती हैं, तो 100% गारंटी है मेरी कि आप एक स्मार्ट लड़की बन जाओगी। और स्मार्टनेस का अर्थ लड़की के मामले में लगाया जाता है सिर्फ उसकी खूबसूरती से, जीरो फिगर से, या देखने में अगर ठीक ठाक है, नैनक से सही है तो। लेकिन रियलिटी में स्मार्टनेस का इससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर आप लाइफ में कामयाब हो जाते हो और आपके पास इनकम का स्रोत हो जाता है, कमाने लगते हो, तो आपकी ब्यूटी ऐसे ही अच्छी निखर हो जाती है, आप अच्छे हो जाते हो और मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तो अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो, तो आप स्मार्ट बन जाते हो। तो इस तरह से स्मार्टनेस को देखना है, समझना है, नज़रिया बदलना है और खुले दिमाग से सोचना है। आपको फास्टर होना चाहिए सोचने में और किसी भी काम को आसान बनाने के लिए तत्पर होना चाहिए और अच्छा आइडिया आपको लेके आना चाहिए, क्रिएट करें और क्लियर होना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हम लाइफ में आगे बढ़ सकें और स्मार्ट बन सकें। तो फर्स्ट पॉइंट है, हमेशा आत्मनिर्भर रहने की कोशिश करें। हाँ, अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं या मेंटली भी आत्मनिर्भर हैं, किसी से बहुत ज़्यादा आप कोई भी जैसे प्रॉब्लम होगी तो सॉल्यूशन आप किसी और से ढूंढते हो, हर बात के लिए पूछते हो कि मम्मी मैं मार्केट जाऊँ कि नहीं, मैं इस काम के लिए जाऊँ कि नहीं, मैं किसी से दोस्ती करूँ कि नहीं, तो ये क्या है। मतलब आप खुद इतना काबिल बनो, लड़की हो, टीनेजर हो या थोड़ी सी बड़ी हो गई हो, तो आपको अब खुद समझना चाहिए कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे नहीं दोस्ती करनी चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कितने टाइम तक जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें के लिए तो आपको आत्मनिर्भर होना ही है और आपके जेब में पैसे भी होनी चाहिए, जिससे कि आपको कैरियर के लिए कहीं फॉर्म भरना है या कोई भी काम करना है, कहीं जाना है, कुछ ख़रीदना है, तो आपको हर चीज़ के लिए किसी जब भी हाथ उठाएं तो देने के लिए उठे, मांगने के लिए नहीं। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें अगर लाइफ में ग्रो करना है और स्मार्ट लड़की बनना है तो। टिप से बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर आप कहीं जॉब कर रही हैं तो वहाँ लड़कियों वाली हरकतें ना करें, जैसे कि किसी की आंखों में देख के बातें करने से आपको शर्म आती है और फिर आप आंखें पलके झुका लेती हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहाँ आपको एक आत्मविश्वासी लड़की की तरह मतलब आपको रहना चाहिए और जो आपको पद दिया गया है, जो पोस्ट पे हो, आप उसका सम्मान करो और उस तरह बिहेव आपको करना है। और घर पे भी अगर आप रिलेशन में अगर जैसे कि शादी के लिए रिश्ता आया है, कोई देखने आया है, तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी लड़कियों के हाथ कांपने लगते हैं, उंगलियाँ हिलने लगती हैं। तो देखिए, अगर कोई आपसे शादी कर रहा है तो आप में वो सारी चीज़ें जो उन्हें चाहिए वो दिखेगा, तभी वो मतलब एग्री करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी उतना ही मैरिज इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए। हो तो भी ठीक है, ना हो तो और भी अच्छा है, आपको कुछ करने का मौका मिल जाएगा और बेटर ऑप्शन भी आपको मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की, नर्वस होने की, कहीं जॉब में या मैरिज में या किसी के सामने लड़की हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी लैंग्वेज आप अच्छा रखो और मतलब आपकी चाल में नज़ाकत होनी चाहिए, अदा होनी चाहिए और साथ ही साथ में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो और किसी से ये बात करो तो आँखों में आँखें डालकर बात करो, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, डरना नहीं है। तो इन सब बातों का आपको खास ध्यान रखना है। ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें, ड्रेस ऐसा पहनना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आप नया नया ड्रेस खरीदो, लेकिन हाँ, ऐसी ड्रेस पहनो जो कि क्लीन हो, साफ़ हो, परफेक्ट हो, ढीले ना हो, और जो भी पहने ढंग से पहने, तरीके से पहने जो आपको स्मार्ट लुक दे, किसी का कॉपी नहीं करना है। तो बस ड्रेसिंग सेंस में आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और सिचुएशन के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। पॉइंट्स है कि अपना निर्णय खुद लें। ऐसा होता है ना कि डिसीज़न आप अपना खुद नहीं ले पाते हो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी लाइफ है
तो अगर मान लेते हैं आपकी शादी हो गई है, उस रिश्ते में आप खुश नहीं हो, और तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आपको उस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि मायके वाले तो चाहेंगे ही कि एक बार आपकी शादी में जो पैसे खर्च कर चुके हैं वो मतलब सक्सेसफुल हो जाए, और आप पे कैसे तिल तिल करके मर रहे हो जीरो, इससे किसी को कोई फ़र्क खास पड़ता नहीं है। ये मतलब इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे में आप अपना लाइफ को खुद देखो कि आपको क्या करना है। उसी तरह आप किसी जॉब में हो, वहाँ आप किसी तरह से भी परेशान हो या जॉब आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आपकी अपनी लाइफ है, आप चेंज कर सकते हो। तो आपका जॉब करियर के लिए, मैरिज के लिए, या कोई भी लाइफ में छोटी मोटी भी डिसीजन लेना हो, मार्केट ही जाना हो या किसी करियर के लिए फॉर्म भरना हो, तो आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। और बहुत सोच समझ के सर्च करके डिसीजन लो। किसी से आप सलाह भी लेने जाओ तो देख लो, अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस मैन से ही सलाह लो जो बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं उनसे सलाह लोगे तो फिर वो सही सलाह नहीं देंगे। तो आप बातें सबसे करो, सलाह ले सकते हो, लेकिन सर्च करके और अपना जो दिल कहे, जो मन कहे, करो वही। पॉइंट से अपने विचारों को व्यक्त करें। बहुत सारी गर्ल्स बहुत बुद्धिमान होती हैं, लेकिन घर में उनकी आइडिया, उनके विचार या उनसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा जाता है। जो उनकी शादी के लिए डिसीजन ले गया उससे क्या पूछना है, हम जो बोलेंगे वो मान लेगी, और हाँ करना ही है, हम उनके पिता हैं या भाई हैं, तो ऐसा है मतलब। तो नहीं, आपको वहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करना है कि हाँ आपके मन में भी किस तरह का है, आप कैसा जीवन साथी चाहते हो, या करियर में या कोई भी बात हो, तो आपको अपने विचार ज़रूर व्यक्त करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा सिर्फ अंदर से ही स्ट्रांग नहीं होना है, बाहर से भी बोलना ज़रूरी हो जाता है अपने हक़ के लिए। आपके लिए कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा, ठीक है। आपको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं कि आपको अपने लिए क्या करना चाहिए स्मार्ट बनने के लिए, लेकिन एक्शन तो आपको ही लेना होगा, हिम्मत तो आपको ही जुटानी पड़ेगी। तो अपने विचारों को व्यक्त करने की आदत अभी से डाल लो, विकसित करो, अगर लाइफ में ग्रो करना है तो। हर जगह कहीं कोई आपके साथ गलत करने की सोच भी रहा होगा तो आपकी इस आदत से वो पहले ही शांत हो जाएगा और 100 बार सोचेगा कि ये लड़की बहुत स्मार्ट है, बहुत स्ट्रांग है, इससे पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखो। पॉइंट है कि अपनी मुस्कान बनाए रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत चालाक होते हैं, उनका कोई इंसल्ट भी करता है तो वो मुस्कुराते रहते हैं। तो आपको भी ऐसा ही बनना है कि आपको कोई भला बुरा सुनाए भी, बहुत परेशान करे, बहुत बुरा बोले, तो आपको अपनी मुस्कान बनाए रखना है, धीमी धीमी, मतलब बहुत ज़्यादा हा नहीं हंसना है, लेकिन चेहरे पे स्माइल रखनी है। आप एक काम करो, तेनालीरामा सीरियल ज़रूर देखना, उसमें वो कितने चालाकी से मतलब किसी भी सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं और वो मुस्कुरा देते हैं तो लोग समझते हैं कि इतनी परेशानी में भी ये मुस्कुरा रहा है, मतलब कि कोई ख़ास बात है, ये परेशान नहीं हो रहा। तो उसी तरह आपको बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में फंस गए हो तो परेशान नहीं होना है, और किसी दूसरे को नहीं दिखाना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, व्याकुल हो रहे हैं या अब हम हार गए। नहीं, अंदर से हारे हो, टूटे हो, बिखरे हो, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, खाली दिमाग है, डरे हुए हो, लेकिन अपने चेहरे पे मुस्कान बनाए रखो। इससे अगला जो है अदर पर्सन आपको पहचान नहीं पाएंगे और आप सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकल जाओगे, मतलब समाधान ढूंढ ही लोगे। तो इस तरह से आपको चालाक बनना है, स्मार्ट बनना है। पॉइंट से कि अपनी गलतियों से सीखें। मान लें कि आपसे कोई गलती हो गई, प्यार में पड़ गए, धोखा खा गए, या किसी एग्जाम में बहुत समय से आप तैयारी कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप देखो कि आपकी गलती क्या, उसे सीखो। या आप दूसरे को देखो कि जो उस फील्ड में पहले से हैं वो क्यों नहीं सक्सेस हो रहे हैं और कोई सक्सेस क्यों हो रहा है, उनसे सीखो। क्योंकि हम गलती करके सीखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हैं। और कभी हमें दूसरे की कॉपी नहीं करनी चाहिए कि उससे ये एग्जाम क्लियर होगा तो मैं भी कर लूँगी। हो सके उसका दिमाग कुछ और हो, वो मछली हो पानी में तैरने के लिए और आप आसमान में उड़ने के लिए पंछी बने हो। तो इसलिए मतलब कभी किसी की कॉपी नहीं करना, उससे फिर हम हमारे अंदर जो योग्यता है उसे हम निखार नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है।
पॉइंट से आत्मविश्वास से भरपूर रहे। कहने का मतलब है कि आप मान लो कि आप बहू हो और सास आपको बहुत ज़्यादा बोल रही है भला बुरा कुलक्षणी जब से आई है घर में घर मेरा ये हो गया वो हो गया मतलब जो भी खरी खोटी बातें सुनाई जा रही है या कोई ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लग रही अपमान आपका किया जा रहा है तो ऐसे में आपको साइलेंट रहना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ अगर रुपया है तो वो गिरता है 100 रुपए का नोट गिरता है तो वो शांति रहता है लेकिन सिक्के गिरते हैं तो आवाज़ आती है। तो इसलिए अगर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है सुनाया जा रहा है तो आप चेहरे पे स्माइल रखो और शांत रहो और आत्मविश्वास से भरपूर रहो। इससे क्या होगा ना कि सासू माँ फिर आपको 2-4 बार अगर कह गई तो 5वीं बार कहने में उन्हें लगेगा कि इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो कहने से क्या फ़ायदा है। फिर धीरे धीरे उनका आपके प्रति रवैया ठीक होने लगेगा। शांत रहना है मतलब स्माइल रखना ये नहीं कि आप डर जाओ हाँ माँ जी आप जो बोलोगे मैं वही करूँगी बोलिए क्या करना है और नहीं इस तरह से एकदम झुक जाना गिर जाना भी नहीं है। मतलब आत्मविश्वास रखना चेहरे पे स्माइल रखना और शांत रहना है और करना वही है जो आपको सही लगे क्योंकि कभी ये नहीं होता कि हम हमेशा गलत ही होते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम सही होते हैं लेकिन किसी को समझा नहीं पाते हैं। जैसे कि सब्ज़ी ऐसे बनती है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सब्ज़ी वैसे ही सही बनती है हम उसे भी अच्छा बना सकते हैं। ये तो मैं छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ तो इसमें इस चीज़ को आप अगर अपनी सासू माँ के सामने अगर कहोगे कि मैं आपसे अच्छा बना सकती हूँ तो फिर भी वहाँ तो फिर बवाल हो जाएगा। तो कहना नहीं है उनकी बातें सुन लेनी है स्माइल करनी है फिर आप अपने हिसाब से कभी बना भी सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छी लगेगी तो सासू माँ खा भी लेंगी। तो इस तरह से मतलब आपको हर काम में दिमाग लगाना है समझ में आ रही है बातें। तो आत्मविश्वास से भरे रहो साइलेंट रहो चेहरे पे मुस्कान रखो। 9 टिप्स से पहेली बनकर रहो मतलब अपनी सीक्रेट जो होती है गुप्त बातें होती हैं वो हर किसी के साथ शेयर करना बताना ज़रूरी है। जो आपके बहुत विश्वासी हैं एक दो दोस्त ही हैं जो बहुत विश्वासी हैं उनके साथ ही शेयर करना है और सबों के साथ कुछ भी बातें नहीं करना बहुत नपातोला सोच समझ के बात करनी है। अगर किसी से गुस्सा भी है तो सामने में आपको गुस्सा दिखाना नहीं है और उसे भी हंस के अच्छे से बात करना है क्योंकि ये चेहरे के दो रूप आपको रखने पड़ेंगे वरना आपको हर कोई पढ़ लेगा खुली किताब की तरह और फिर कोई भी आपको ढोल की तरह बजा के चला जाएगा आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें सबको अपनी सीक्रेट ना बताएं पहेली बनकर रहे। आप घर में या जॉब कर रही हैं वहाँ या ससुराल में या कहीं भी इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 10 पॉइंट्स हैं कि टेढ़ा बनो सीधे वृक्ष जल्दी काट लिए जाते हैं। तो टेढ़ा मतलब बेवकूफ़ नहीं समझदार और चालाक बनो ठीक है क्योंकि अगर आप समझदार और चालाक रहोगे टेढ़े रहोगे तो कोई भी आपको बहुत जल्दी मतलब अपने इमोशनल में फंसा नहीं पाएगा। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है ना कि खुद काम चोरी करके आराम करने की और दूसरे को काम अपना करवाने की छोटी तो ये काम कर देना मैं थोड़ा सा ये काम कर रही हूँ वो थोड़ा सा कोई काम नहीं कर रही है आराम तो आप वहाँ पर देखो कि रियल में उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है या वो आराम करके आपसे ज़्यादा काम करवा रही हैं। क्योंकि कभी होता है कि हम गधे की तरह काम करते रह जाते हैं और हमें कोई वैल्यू इज्जत भी नहीं मिलती है। तो आप बिना वैल्यू बिना इज्जत की काम मत करो अगर रियल में किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आप सोच समझ के हेल्प करो वरना आप ना कहना सीखो नो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर जगह जॉब में घर में समझदारी से रहना सीखो तभी आप एक स्मार्ट लड़की बन सकती हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। अपना रखो ध्यान।